औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारा जो आज का नुस्खा है ये जिस्म में सुइयां चुभना जो है उसके लिए ये नुस्खा आप तमाम दोस्तों को दिया जा रहा है। अपने प्लेटफार्म सलीम दवाखाना बुलवाल के ऊपर आप तमाम दोस्तों के साथ ये नुस्खा शेयर किया जा रहा है। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। ये जो नुस्खा है ये चटनी की सूरत में आपको दिया जा रहा है और जिस्म में जो सुइयां चुभती हैं उनके लिए है। जिस्म में सुइयां तब चुभती हैं जब खून आपका गाढ़ा हो जाता है। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उसमें अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, ये जो चार अज़ा हैं ये आपने बराबर वजन लेने हैं जितनी मकदार में भी आप चटनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती, दो चार दिन आप इसको सेफ कर सकते हैं। और ये चार जो अज़ा हैं इसमें आपने पांचवा जो जूस शामिल करना है वो है सब्ज मिर्च का, हसब जायका, जितनी आप सब्ज मिर्च खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शामिल करेंगे और इसकी आप चटनी बना लेंगे। हर खाने के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे और ये इंतहाई जो है जायकेदार और मज़ेदार चटनी बन जाएगी आपकी। आप बड़े शौक़ से इसको खा सकते हैं और हर खाने के साथ आप इसको खाएंगे तो ये ना सिर्फ आपके खून को पतला करेगी, एक बेहतरीन मुरक्कब है जो खून को पतला करता है, बल्कि जो जिस्म में आपके सुइयां चुभती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। कुछ दिन के मुतवातर इस्तेमाल से जो सुइयां चुभती हैं जिस्म में वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं जब आपका खून पतला हो जाता है। तो इसको कुछ दिन आप जो कंटिन्यू करेंगे, इसको जारी रखेंगे, कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपका खून पतला होगा बल्कि आपका जो निज़ाम हज़म है वो भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। आपको भूख लगेगी, इससे ग़िज़ा हज़म होगी और जो कब्ज़ वाले मरीज़ हैं उनके लिए इंतहाई और लाजवाब ये चटनी है। ये खून को पतला करती है, अदरक और लहसुन जो है ये खून को पतला करने के लिए हर्बल जो अज़ा हैं उनका मरकब है और बेहतरीन जो है ना माना हुआ मशहूर है अदरक और लहसुन खून को पतला करने के लिए। और इसके अलावा जो इसमें सब्ज़ मिर्च है वो एंटी एलर्जी है और एक बेहतरीन नुस्खा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया है ग़िज़ाई। इसको बनाकर इस्तेमाल करें और इसके फ़ायद देखें, चंद दिनों के अंदर ही इंशाल्लाह ताला आपका जो मर्ज़ है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इसी तरह की मुफीद व मुजरब वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा ये जो हफ्तों का सिलसिला है ये चलता रहे। ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त तआवुन फरमाएंगे। तो हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।